सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नमाज पढ़ी है, सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त रफ़ुल यदैन किया, रुकू में जाते हुए रुकू से उठते हुए नहीं किया। ये एक हदीस है। रफ़ुल यदैन करने की हदीसें ज्यादा हैं, इसलिए कि वो एक अमल है, किया है। अली खुदा है, ना खुदा से जुदा है, फिर क्या बला है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो हम सैयदना अली को मौला मानते हैं। आज मुस्लिम टीवी कादियानियों का खुला हुआ, उसके ऊपर जी कौन आ गया जी, अली भाई आ रहे हैं, अली भाई। ये खुशी की बात है, ये बदबख्ती की बात है। एक और वजाहत मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। MTA जो मुस्लिम टेलीविजन अहमदिया कम्युनिटी का है, उसके नाम के मुताबिक एक चैनल तो मौजूद है, लेकिन वो अहमदी नहीं चला रहे, वो कादियानी नहीं चला रहे। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी का शुमार ताबईन में है। आपने मौला अली की ज़ियारत की अपने बचपन, आपको मौला अली का थापड़ा है। मैं एक जगह है, मैंने कह दिया कि हजरत ताबईन ही, आप ताबईन में से नहीं है, ये काफी देर बाद हजरत। हमें तारीख से बताया ही नहीं गया, ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी को सलाम और उनकी उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों सलाम, जिन्होंने हमें तारीख से आशना किया कि तुम हो किन की औलाद है। वरना कोई जाकिर नायक से मुतासिर था, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेलवी नाम का इनसे मुतासिर हो जाता। ये तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे बड़े बहुत बड़े थे, तुम कभी देखो तो सही तुम्हारे बड़े हैं कौन। एक नजरिया ऐसा बताएं जो मैंने उम्मत में नया लॉन्च किया, कोई एक कोई ऐसा नजरिया नहीं है जिसमें मैं तफर्रुद का शिकार हूं। तो हमारे हर नजरिए के साथ कोई ना कोई मतलब फिक्र मुतफिक है, और हमारी हर बात के साथ किसी मकदा फिक्र के गले में हार पड़ रहा होता है और किसी मकदा फिक्र की धूम पे पांव पड़ रहा होता है। कोई नई बात नहीं है, जहां पे इख्तलाफ आता है फिर उन बातों पे आता है जिसमें उनकी धूम पे पांव पड़ रहा होता है। और सर एक की धूम पे पांव पड़ रहा होता है तो दूसरे के गले में हार पड़ रहा होता है।